गुलबर्गा शहर में मौजूद बारगाह शेख के डकैन के सज्जादा नशीन हजरत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब को बगदाद में तमाम तर सज्जादगान मशायखीन और उलमाए इकराम की मौजूदगी में शेख कबीर के लकब से नवाजा गया है। 11 रबी उसानी को सिराज बाबा साहब गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर बगदाद गए हुए थे और वहाँ जनाब जदान मोहसिन जुनेदी साहब की जानिब से सिराज बाबा साहब को शेख कबीर का लकब दिया गया है और बगदाद से गुलबर्गा वापसी पर सिराज बाबा साहब के लिए एक अजीम शान इस्तकबालिया जुलूस का अहतमाम किया गया था जिसमें हजारों की तादाद में मुरीदीन शिरकत किए थे। इस इस्तकबालिया जुलूस के ताल्लुक से मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمد لله سيد الطائفه رئيس الخام ابو القاسم خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الاختا غوث الاسلام مندی مخدوم حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کرم سے ان کے جانشین ان کے شہزادے تقدس مآب فخر گلمرگہ شیخ کبیر حضرت الحاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی معروف با سراج بابا صاحب قبلہ 11 ربیع الثانی کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس بابرکت میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر عراق کے تمام تر سجادگان عظام مشائخ عظام علماء اکرام عمائدین شہر کی موجودگی میں عالمی سطح کی صوفی خانقاہی تنظیم کے سربراہ اعلیٰ عزت مآب محترم المقام جناب جدعان محسن جنیدی صاحب قبلہ مد ذلہ العالی نے ان تمام سجادگان عظام مشائخ اکرام کی موجودگی میں شیخ کبیر کے سند مبارک آپ کو تفویض فرمائی اور ساتھ ہی وہ شجرہ مبارک بھی پیش کیا جو قدیم ترین عربی تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے، سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب جو حضور پاک تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ یوں تو خانوادے کے پاس 7 صدیوں سے یہ شجرہ نسب موجود ہے،
इसी तरह का शजरा नसब वहाँ तारीख़ी किताबों में, अरबी तारीख़ी किताबों में मौजूद है, वो जो है ना उनको पेश किया गया सईद ताइफ़ा जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आलिया में। इसी ज़िमन में जब औलिया इकराम की ज़ियारत से फ़ारिग होकर हमारे पीरज़ादा तकद्दस माँ फ़ख्र गुलमर्गा हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी मारूबा सिराज बाबा साहब क़िबला गुलमर्गा शरीफ उनकी आमद हुई तो वाबस्तगान सिलसिला आलिया खादरिया जुनेदिया चिश्तिया बारगाह हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने अज़ीम शान पैमाने पर जुलूस इस्तक़बालिया जुलूस का अहतमाम किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुरीदीन ने वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत और पूरी वारफ्तगी के साथ शिरकत करके अज़ीम शान पैमाने पर इस जुलूस को कामयाबी से हमकिनार किया। ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ गुलबर्गा में ऐसा पहला जुलूस है जो इस अज़ीम शान पैमाने पर अहतमाम किया गया। और सिराज बाबा क़िबला मद्दज़िल्लाह वलाली की जो शख्सियत है, हिंदुस्तान में यूँ तो कई जुनेदी सिलसिले के खानवादे खानकाहें मौजूद हैं, लेकिन हज़रत सिराज बाबा साहब क़िबला की जो अजीम तरीन शख्सियत है, शेख कबीर का ओहदा पाने वाली और लखब पाने वाली मुल्क की खानवादा जुनेदिया की सिलसिला जुनेदिया की अव्वलीन शख्सियत हैं, जिनको आलमी सतह पर वर्ल्ड लेवल पर उनको शेख कबीर के ओहदे से नवाजा गया और पूरे हिंदुस्तान और पूरे एशिया में उनको पूरे सिलसिला जुनेदिया का शेख कबीर बनाया गया, यानी सबसे बड़े बुज़ुर्ग सबसे बड़े पीर का ओहदा उनको दिया गया है। उनके गिरा क़द्र खिदमात जो आलमी सतह पर वो खानकाही मिशन चला रहे हैं, हिंदुस्तान भर के अलावा पूरे अरब ममालिक में भी, क़तर में, दुबई में, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, मुख्तलिफ मुकामात पर अरब ममालिक में भी खानकाह जुनेदिया क़ायम की गई हैं, वहाँ ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें हो रही हैं और कॉन्फ्रेंस इल्मी मुज़ाकरे खानकाह जुनेदिया में दुनिया भर में हो रहे हैं। इनकी इन गिनाख़द खिदमात के पेश नज़र ये ओहदा शेख कबीर का उनको दिया गया है और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया है। हम सब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे पीर व मुर्शिद के शहज़ादे का साया हम पर तादेर व क़ायम फरमाए, उनके उम्र इकबाल में, उनके दराजात में अल्लाह ताला बुलंदी फरमाए और हासिदों के हसद से, नज़र बस से और अशरार व मक्कार के शर और मकर से उनकी हिफाजत फरमाए, सेहत व आफ़ियत के साथ उनकी उम्र को अल्लाह ताला बेपना दराज फरमाए। इस मौके पर मैं हमारे तमाम पीर भाइयों का जो हज़ारों की तादाद में जुलूस इस्तकबालिया में शरीक हुए हैं अपना कीमती वक्त देकर, और इस जुलूस को कामयाब बनाने के लिए हमारे पीर भाई, बहुत सारे पीर भाई टीम वर्क करके जो है ना इसको कामयाब बनाए हैं, अब्दुल क़य्यूम लाला साहब, अब्दुल क़य्यूम सालार जंग साहब, नसीर कोहरी साहब, यूनुस साहब, जमील अंसारी साहब, इन जैसे बहुत सारे हमारे सिलसिले के ज़िम्मेदारान इस जुलूस में उसको मुनज़्ज़म तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ हुदूद शरीयत में रहकर, शरई हुदूद में रहकर इस जुलूस को कामयाबी से हमकिनार किया है। इन सब की खिदमात को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए।